हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अहमद स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि केसी सिन्हा ट्वेल्थ मैथ सॉल्यूशन एक्सरसाइज 12.1। तो फ्रेंड्स, कल हम लोग एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ेंगे। देखते हैं मतलब कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं हम लोग, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए हमारे साथ बने रहिए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, तो आज का देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3 नंबर, ठीक है। वाई बराबर एक्स क्यू प्लस 10x और ये जो है कि d2y/dx2 बराबर 6x प्लस 2sec2x इंटू 10x, इतना प्रूफ करना है, ठीक है। इतना जो है ये हम लोग को प्रूफ करके लाना है, तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बताते हैं कि कैसे बनेगा ये। तो फ्रेंड्स, आपको डिफ्रेंशिएशन करना आता है, ये तो मैं जानता हूँ कि अब आप लोगों को आ जाना चाहिए डिफ्रेंशिएशन करना। अगर नहीं आता है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से हमारी वीडियोज़ देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम लोग करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन करिए, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, d2y/dx, ठीक है, यानी कि डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो हो जाएगा dy/dx बराबर x³ का डिफ्रेंशिएशन। फ्रेंड्स, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, dx^n/dx बराबर होता है nx^n-1। और 10x का डिफ्रेंशिएशन फ्रेंड्स क्या होता है, sec²x होता है। तो चलिए x³ हो गया nx^n-1, यानी कि 3x^3-1 इंटू, यानी कि 3-1 होगा तो 2 हो जाएगा, 3x² प्लस 10x का डिफ्रेंशिएशन sec²x, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा फास्टली चलेंगे अब हम लोग, ठीक है। ये हम लोग का डिफ्रेंशिएशन हो गया dy/dx। अब फिर अगेन कर लेंगे, अगेन dw/2x। तो चलिए करते हैं अगेन करके, तो d2y/dx2 बराबर, अब 3d कांस्टेंट हो गया, dx² / dx प्लस dsec²/dsec(x) इंटू dsec(x)/dx, ठीक है। तो हो जाएगा फ्रेंड्स d2y/dx2 बराबर 3d और ये फिर हो जाएगा 2 x^2-1, यानी कि 1 हो जाएगा तो 2x ही रहने देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। प्लस sec²x का, यानी कि यहाँ पावर है तो ये भी 2 x sec²-1, यानी कि 1 तो sec(x) ही हो जाएगा। और इंटू sec(x) का डिफ्रेंशिएशन फ्रेंड्स क्या होता है, sec(x)/10x। अगर फ्रेंड्स डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको फॉर्मूला की वीडियोज़ मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, d2y/dx2 बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 6 यानी कि 6x प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 sec(x)/sec(x), तो हो जाएगा sec²x और इंटू 10x, ठीक है। तो ये हो गया d2y/dx2, जो कि यही हम लोग को प्रूफ करना था, ठीक है। चलते हैं फ्रेंड्स अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन है, तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि y बराबर साइन इंटू साइन एक्स, ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो दिखाना है कि d2y/dx2 प्लस 10x इंटू dy/dx प्लस y cos²x बराबर 0, ठीक है फ्रेंड्स, यानी शून्य है, ठीक है, यानी शून्य प्रूफ करना है हम लोगों को। तो चलिए अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले आपको वो कुछ नहीं करना है, इसको एक तरफ नोट कर लेते हैं यहाँ। चलिए y बराबर हो जाएगा sin(x)/sin(x), अब बस प्रोसेस वही है, प्रोसेस सब हम आप लोगों को बता चुके हैं। अब चाहे तो आप लोग अगर मेहनत करते होंगे तो आप लोग सेल्फ अपने से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, प्रोसेस वही है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हो जाएगा फ्रेंड्स dy/dx बराबर d sin(x)/dsin(x), देखिए अब साइन यहाँ से ये रिमूव होगा तो साइन एक्स आएगा, इंटू साइन एक्स डी साइन एक्स, इसी को ऊपर ले चलते हैं, ठीक है, dx हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब फ्रेंड्स, साइन का डिफ्रेंशिएशन फ्रेंड्स क्या होता है, कॉस होता है, तो हो जाएगा cos(sin(x) और सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ मल्टीप्लाई है तो साइन का डिफ्रेंशिएशन cos(x), तो dy/dx का मान आ जाएगा फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा dy/dx का मान आ जाएगा cos(sin(x)
कॉस एक्स, ठीक है, ये हो गया हम लोग का डी वाई बाई डी एक्स। अब चलते हैं फिर अगेन कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स अगेन क्यों कर रहे हैं, यहाँ जो भी हाईएस्ट होगा उसी के अनुसार हम लोग करेंगे। तो देखिए यहाँ डी टू वाई बटा डी एक्स टू है, तो हम लोग को उसका मान निकालना पड़ेगा और इसमें पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, और इक्वल जीरो है, तो अगर जीरो के बराबर आ जाए तो हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट मेथड है ये, सबसे आसान मेथड है, यही कीजिएगा। ठीक है, आप लोग को भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन है तो आप लोग बस यही कीजिएगा, ये मान निकालिए और ये मान निकालिए, उसके बाद आप पुट कर दीजिए, इक्वल आ गया तो प्रूफ हो गया। ठीक, तो चलिए अगेन करते हैं डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हो जाएगा डी टू वाई बटा डी एक्स टू बराबर, ठीक है, देखिए ये हो गया यू और ये हो गया भी, यू इन टू वी। तो यू इन टू वी का फ्रेंड्स डिफ्रेंशिएशन आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो होता है फ्रेंड्स यू इन टू वी का डिफ्रेंशिएशन वी इन टू डी यू बटा डी एक्स, तो हो जाएगा कॉस एक्स इन टू, और फिर इन टू कॉस का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा फ्रेंड्स माइनस साइन, माइनस साइन इन टू साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, इन टू में प्लस वी, ये हो जाएगा u इंटू डी वी बटा डी एक्स। तो u का मान है cos इंटू साइन एक्स और डी वी बटा डी एक्स, यानी कि cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो हो जाएगा डी टू वाई बटा डी एक्स टू का मान आ गया, इसको नोट करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी को, तो हो जाएगा फ्रेंड्स माइनस साइन इंटू साइन एक्स, और देखिए ये cos x और ये cos x मल्टीप्लाई हुआ तो cos स्क्वायर एक्स, और ये देखिए यहाँ प्लस है और ये माइनस से सभी मल्टीप्लाई होंगे, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस इंटू साइन एक्स। ठीक है, इतना हो गया डी टू ए बेटा डी एक्स टू का मान। बस अब हम लोग कुछ नहीं करना है, चलते हैं अब इक्वेशन जो दिया हुआ है प्रूफ करने वाला है यहाँ। ठीक है, तो इसमें हम लोग एल एच एस से चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो हो जाएगा फ्रेंड्स दिया हुआ है डी टू वाई बटा डी एक्स टू प्लस टेन एक्स इंटू डी वाई बटर डी एक्स प्लस वाई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया, बराबर में जीरो आ जाएगा तो प्रूफ हो जाए। तो चलिए डी टू वाई बटर डी एक्स टू का मान रखते हैं। तो डी टू वाई बटर डी एक्स टू का मान है फ्रेंड्स हम रख दे रहे हैं माइनस साइन इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, प्लस टेन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का मान है वो हम पुट कर दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, डी वाई बाई डी एक्स का मान है कॉस इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस फिर फ्रेंड्स है वाई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो वाई का मान फिर हम रख दे रहे हैं साइन इंटू साइन एक्स, साइन इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ये तो मिल गया माइनस साइन इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इससे ये माइनस और प्लस से कैंसिल हो जाएगा, बच गया ये, तो ये हो गया कॉस माइनस कॉस इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स, सॉरी फ्रेंड्स हो गया माइनस कॉस इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस टेन एक्स का मान फ्रेंड्स कितना होता है तो साइन एक्स बटा कॉस एक्स, तो हो जाएगा साइन एक्स बटा कॉस एक्स इंटू कॉस इंटू साइन एक्स और फिर इंटू में कॉस एक्स, तो कॉस एक्स है कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हो गया फ्रेंड्स माइनस कॉस इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और ये जब हो गया तो ये हो गया फ्रेंड्स इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस इंटू साइन एक्स, तो ये प्लस में है और ये माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा, तो जीरो आ गया। तो फ्रेंड्स ये हम लोग को प्रूफ करना था तो आरएचएस प्रूफ हो गया। ठीक है, प्रूफ हो गया। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया हुआ है फाइव नंबर। ठीक है, तो चलिए फाइव नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रूफ करते हैं। तो फ्रेंड्स फाइव नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यदि वाई बराबर, वाई का मान दिया हुआ है लॉग इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसका पूरे का स्क्वायर, तो सिद्ध करना है कि जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस एक्स इंटू वाई वन बराबर टू। तो फ्रेंड्स ये सॉल्व करने से पहले हम आपको बता दें कि वाई वन और वाई टू की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो वाई वन जो है इसको हम लोग डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम ये बोल सकते हैं एफ डैश एक्स। ठीक है, और इसको बोल सकते हैं वाई डैश। ठीक है, वाई ऊपर में एक डैश, और फिर यहाँ वाई वाई टू को बोल सकते हैं डी टू वाई बटा
डी एच टू, और इसको बोल सकते हैं एफ डबल डैश एक्स, या इसको इस तरह नोट कर सकते हैं, इस तरह आप सबका निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिए इसको सॉल्व अब कैसे करेंगे, यह मालूम हो गया कि वाई वन क्या है और वाई टू क्या है। वाई वन है डी वाई बाई डी एक्स और वाई टू है डी टू वाई बेटर डी एक्स टू। ठीक है, तो चलिए अब इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। वाई बराबर दिया हुआ है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा फ्रेंड्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर, तो हो जाएगा लॉग, देखिए यहाँ पावर है ना, तो पावर नीचे आएगा, हो जाएगा टू इंटू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और इंटू देखिए पावर टू माइनस वन हो तो वन ही हो जाएगा। ठीक है, और लॉग फिर लॉग इतना का डिफ्रेंसिएशन करें तो हो जाएगा वन बटा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और फिर इंटू, अब फिर लॉग का हो गया तो फिर करेंगे एक्स प्लस इतना का, तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन हो जाएगा और प्लस इतना का डिफ्रेंसिएशन रूट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका डिफ्रेंसिएशन फ्रेंड्स हो जाएगा वन बटा अंडर रूट वन बटा टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर इसी में कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन टू एक्स और प्लस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफ्रेंसिएशन शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखते हैं, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो फ्रेंड्स डी वाई बाई डी एक्स का मान आ गया, ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा टू इंटू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वन बटा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसको देखिए, ये जब ये इसको वन में मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं तो हो जाएगा इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस एक्स, ये एक्स है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ एक्स है प्लस एक्स, अब बट्टा हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए ये इतना से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से ये कैंसिल हो जाएगा, तो फ्रेंड्स डी वाई बाई डी एक्स का मान आ गया टू इंटू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आएगा फ्रेंड्स डी वाई बाई डी एक्स का मान। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि अब हम लोग को कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं और आगे, तो देखिए अगला स्टेप हम लोग को फॉलो यही करना है कि यहाँ से देखिए ये डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो फ्रेंड्स इसको वाई वन लिख लेते हैं, वाई वन। ठीक है, तो हो जाएगा वाई वन और इंटू, जब इधर डिवाइड है तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाए तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये टू इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, बराबर हो जाएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया हम लोगों का। तो फ्रेंड्स यहाँ जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ दिया हुआ है मान वाई बराबर दिया हुआ है लॉग इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ होल स्क्वायर है ना, तो हम लोग अगर इतना का मान निकालेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, इतना का तो इधर स्क्वायर है तो इधर आकर ये रूट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रूट वाई हो जाएगा, तो इतना का मान फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, रूट वाई हो जाएगा। तो अब यहाँ हम इतना का मान रख देंगे रूट वाई, तो चलिए रखते हैं। तो देखिए यहाँ है ना लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका मान रूट वाई हो जाएगा, तो चलिए रखते हैं। तो हो जाएगा फ्रेंड्स वाई वन इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा टू बराबर रूट वाई। ठीक है, और फ्रेंड्स ये तो हो गया, अब चलते हैं और इसका आगे डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो देखिए डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो वन बाई टू कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, और इसको u इंटू वी पे कर लेते हैं, तो हो जाएगा फ्रेंड्स वाई वन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको इसी तरह रखते हैं, और वाई वन का डिफ्रेंसिएशन वाई टू, u इंटू वी पे कर लीजिएगा, फार्मूला नहीं याद है तो अब इसका रिक सब थोड़ो लेंगे हम, आप याद कर सकते हैं प्लेलिस्ट से देख कर। ठीक है, तो हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर, इसको इसी तरह रखते हैं और वाई वन का डिफ्रेंसिएशन के। ठीक है, अब वाई वन को स्थिर रखेंगे और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हो जाएगा रूट में है तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा वन बटा टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इतना हो गया फ्रेंड्स, अब ये रूट में हो गया, अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का करेंगे। ठीक, ये रूट का हो गया, रूट का डिफ्रेंसिएशन निकला, अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन टू एक्स और ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफ्रेंसिएशन शून्य हो जाएगा, बराबर रूट वाई का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा फ्रेंड्स वन बटा टू रूट वाई। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये बट्टा में है, ये भी बट्टा में है। ठीक है, इतना हो गया, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा
वाई टू इन टू, देखिए फ्रेंड्स यहाँ एलसीएम लेंगे, देखिए यहाँ टू से टू पहले कट करते हैं, टू से टू कट हो गया, तो ये हो जाएगा वाई टू, और ये जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ आकर ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो इसमें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वाई टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स वाई वन बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है सॉरी फ्रेंड्स ये पूरे का बटा होगा, ये आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि एलसीएम लेकर हम यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है अब बराबर आ गया वन बटा टू रूट वाई, ठीक है इतना का मान आ चुका है हम लोगों के पास, इतना हो गया ना फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस इतना हो गया फ्रेंड्स, थोड़ा सा रुक जाइए हम देख ले रहे हैं कहीं मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये हो गया ना, इतना हो गया फ्रेंड्स, तो अब हमको कुछ नहीं करना है। हाँ फ्रेंड्स देखिए यहाँ जब यहाँ देखिए ये रूट वाई है तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो रूट वाई का तो वन बाई टू रूट वाई हो जाएगा, बट एक्स के ना सापेक्ष इधर हम किए हैं तो इधर भी एक्स को सापेक्ष करेंगे, तो एक्स को सापेक्ष जब करेंगे तो फिर डी वाई बाई डी एक्स आएगा ना इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है इंटू में यहाँ डी वाई बाई डी एक्स होगा, ठीक है ये देख लीजिएगा इंटू में डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ठीक अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे वाई वन लिखेंगे, ठीक है और ये टू कैंसिल हो चुका है, ठीक है ये वाई वन हो गया, ठीक है अब चलिए देखिए फ्रेंड्स यहाँ से y1 का मान निकाल लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है तो फ्रेंड्स y1 का मान आ जाएगा, देखिए यहाँ हम दिखा रहे हैं आपको y1 का मान, तो फ्रेंड्स y1 का मान यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है तो y1 का मान यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा y1 बराबर, देखिए ये y1 है ना ये मल्टीप्लाई हो जाएगा टू रूट वाई, और ये सभी ये इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये y1 का मान आ गया, अब बस यहाँ पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा, तो y1 का मान रखते हैं चलिए तो रखते हैं तो हो जाएगा y2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स वाई वन बट्टा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर, y1 का मान रखेंगे तो ये हो गया टू रूट वाई बट्टा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है इतना आ गया और बट्टा में सबके बट्टा में हो जाएगा रूट वाई, ठीक है रूट वाई हो गया, तो रूट वाई से रूट वाई कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा फ्रेंड्स वाई टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स वाई वन बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बच जाएगा इधर टू बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखिए फ्रेंड्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इधर भी डिवाइड है और इधर भी डिवाइड है कैंसिल हो जाएगा, तो फ्रेंड्स आ जाएगा वाई टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स वाई वन बराबर टू, जो कि हम लोग को यही प्रूफ करना था। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियोज में, तब तक के लिए बाय।